जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर के तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी आजकल यहां परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफ़ी तादाद में यहां मेहमान परिंदे इन दोनों तराई इलाके में पहुँचे हैं। ठंड में हजारों विदेशी परिंदों की झुंड साइबेरिया, मध्य चीन और मंगोलिया जैसे देशों से यहां पहुंचते हैं। मध्य चीन और मंगोलिया से आने वाले ये परिंदे 5 से 6 हजार किलोमीटर तक का सफर दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाकों में पहुंचते हैं और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में तराई क्षेत्रों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इन विदेशी परिंदों को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं वन विभाग की माने तो इस बार इन विदेशी परिंदों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कोई बाहरी व्यक्ति इनका शिकार ना करे, इसके लिए गश्त भी बढ़ा दी गई है और इन पक्षियों की निगरानी की जा रही है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के विदेशी परिंदे जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है काफ़ी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस डैम क्षेत्र को पर्यटक के रूप में कर दिया जाए ताकि यहाँ पे लोग आए, उन्हें सौंदर्यकरण दिखे, यहाँ का अच्छा लगे देखने में, ताकि लोग बाहर से आते हैं सब लोग देखने के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि हमारे इस डैम क्षेत्र को कुछ भी नहीं तो सौंदर्यकरण के रूप में तो इसे कर दिया जाए। इसमें प्रभागीय वनाधिकारी महोदय और उपप्रभागीय वनाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तो हमारे क्षेत्र कार्य क्षेत्र अंतर्गत तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम जो है यहाँ पर बर्न काउंटिंग के रिहर्सल अभ्यास किया गया था, अपने स्टाफ को जागरूक किया गया था। इसके आप अवगत ये हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये हमारे पर्यावरण के स्वस्थ होने का द्योतक है।